नमस्ते, हाय, हेलो। मैं डॉक्टर मोनिका जैन अग्रवाल, इंडियन ऑनलाइन स्कूल स्कूल फॉर ओलंपियाड चैंपियंस के मंच पर आपका फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे आज की थर्सडे की सीरीज का टॉपिक है ईआई असेट ओलंपियाड्स। जो लोग हमें बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो जानते हैं कि एवरी थर्सडे हम एक ओलंपियाड के बारे में पूरी जानकारी के लिए डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में शेयर करिए। हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट जो ओलंपियाड एग्जाम्स में एक्सेलेंस चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ नई नई जानकारी प्राप्त करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है आप चाहते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हम डेफिनेटली उसके ऊपर पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो ईआई असेट जो ओलंपियाड एग्जाम्स है, बेसिकली एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम है जो इम्फेसाइज करता है जो नेचुरली गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको स्क्रीन करने में। ईआई इज स्टैंड फॉर एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच कंडक्ट्स असेट एग्जाम ओवर हियर। ओके, so now ASET stands for assessments of scholastic skills through educational testing, scientifically designed और skill based assessment test रहता है। और जो यहाँ पे major इनका purpose है, basically ये बाकी ओलंपियाड एग्जाम से थोड़ा हटकर है। EIATS जो है आइडेंटिफाई करता है टॉप की 2% गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्लास 4 टू क्लास 8, और उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है वो अपने जैसे बच्चों को साथ में अपने आप को एक्सेल करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जैसे नॉर्मल ओलंपियाड्स होते हैं, हर एक बच्चे उसको अटेंड कर सकते हैं, हर एक बच्चे उसको दे सकते हैं। यहाँ पे एक प्रिलिमिनरी उनका एग्जाम रहेगा जिसको क्लियर करने के बाद में ही आप इस मेन एग्जाम में जा सकते हो। और ये एम्फेसाइज करते हैं ग्रेड 4 टू ग्रेड 8 ओनली। इसका रीजन शायद ये हो सकता है कि ये जो एज ग्रुप होता है ये इतना फास्ट डेवलप, इसमें बच्चों का इंटेलेक्चुअली और वेल बीइंग और ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है काफी अच्छा रहता है इस एज में। सो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये केवल 4 टू 8 ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे इनका एक रोड मैप कि इनका पूरा स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो ईआई असेट जो होता है, इसको पहले प्रिलिमिनरी जो स्टेज होती है उसमें आप इनकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो। वहां पे अगर आप टॉप के 15 परसेंटाइल बच्चे में आते हैं आप तभी इनके एक्चुअल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ईयर 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन फरवरी में स्टार्ट हो गए हैं। इनका अर्ली बर्ड जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा वो नवंबर 15, 2024 को रहेगा। उसके बाद रेगुलर रजिस्ट्रेशन जो होगा क्लोज वो नवंबर 22 को। सो बेसिकली आपको यहाँ को डिस्काउंट मिल सकता है, आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। लेट रजिस्ट्रेशन के साथ में नवंबर 27 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। टेस्ट डेट जो है नवंबर 28 से नवंबर 31 तक की रहेगी। उसके बाद में रिजल्ट अनाउंस होगा डिसंबर 8 को। उसके बाद में जो बच्चे 2 परसेंटाइल की रेंज में आते हैं, मतलब देखिए कितना हाई कंपटीशन है, पहले 15 परसेंटाइल, उसके बाद टॉप की 2% में जो बच्चे आएंगे वो समर प्रोग्राम में एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये बेसिकली समर प्रोग्राम क्या है, तो इनका टाई अप है जॉन हॉपकिंस, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, जेनवाइज, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी एंड SIG एंड बार्कले, UC बार्कले। सो देखिए कितने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट के साथ में इन्होंने टाई अप किया है इन 2 परसेंटाइल बच्चों को नर्चर करने के लिए, राइट। सो बेसिकली अगर आप रजिस्टर करवाते हैं EIATS एग्जाम के लिए, आपको चांस मिलता है अपने हाई परफॉर्मिंग पेयर के साथ में एंड अक्रॉस द ग्लोब बच्चे इसमें कम्पीट करते हैं और आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है। अज्यूम करिए आपका परसेंटाइल 85 टू 89 के बीच में आता है, आपको एक टाइटल मिलता है टैलेंट सर्च ब्रॉन्ज स्कॉलर, बेसिकली आप ब्रॉन्ज के लिए एलिजिबल हो जाते हो और एक स्पेशल मेडल और सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप सिक्योर करते हो 90 टू 94 के बीच में तो आपको सिल्वर बैच
स्पेशल मेडल एंड सर्टिफिकेट। अगर आप टॉप की 95 to 99 परसेंटाइल में आते हैं तो गोल्ड स्कॉलर बैज, स्पेशल मेडल एंड सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। एलिजिबिलिटी जैसे मैंने बताया, सबसे पहले है कि स्टूडेंट जो क्लास 4 to 8 में है वही अपियर हो सकते हैं। सेकेंड, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको या प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपको, अगर आपका टॉप 15 परसेंटाइल में है इन एनी वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस, आप एलिजिबल हो सकते हो, राइट। सो क्या पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करनी है? ये आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो घर से कर सकते हो। 3 टॉपिक्स रहते हैं सब्जेक्ट्स बेसिकली, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस। हर एक सब्जेक्ट का अलग से टेस्ट होता है जो 60 मिनट्स का होता है, और इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। तो भाई हम इसमें पार्टिसिपेट क्यों करें, राइट। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जो असेट का ईआई असेट बेसिकली जो है, ये ओनली टॉप की 2 परसेंटाइल स्टूडेंट्स की जो उनका गिफ्टेडनेस है एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, उसको नर्चर करते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी राइट नो स्पेसिफिक प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको स्पेशलिस्ट एग्जाम के बारे में तैयारी नहीं करना है, आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सो मैं अभी थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूंगी, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे इस एग्जाम को लेकर। सो मानिए आप ये भी मान सकते हो कि तो मैं अपने बच्चों को ओलंपिया ये ATS एग्जाम के लिए तैयार कैसे कराएं, राइट। तो ये जैसे कि एक स्किल बेस्ड असेसमेंट है, प्रिपरेशन नहीं चाहिए क्योंकि ये एकेडमिक गिफ्टेडनेस को बढ़ावा देता है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि बच्चों को ये मतलब उनके लिए ये एक नॉर्मल चीज है, राइट। क्या ये कंपलसरी है कि सारे तीनों सब्जेक्ट्स में हम अपियर हों? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक जो स्पेसिफिक एज ग्रुप क्लास 4 से क्लास 8 तक के बच्चों का बेसिकली ये इम्फेसाइज करते हैं। तो इस एज में क्या होता है कि जो मिडिल स्कूल वाला एज इसको बोलते हैं, तो इसमें बच्चों का जो पोटेंशियल है वो अभी तक समझ में नहीं आता है। उनको एक्सपोजर देके, उनको नई स्किल्स देके हम बच्चों के पोटेंशियल को समझ सकते हैं। तो रिकमेंड किया जाता है कि तीनों ही सब्जेक्ट्स में ये दिया जाए, वैसे आप एक में भी दे सकते हो। किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं? ये बेसिकली MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं और उनमें से करेक्ट आंसर होता है। आप इसके लिए उनकी वेबसाइट के सैंपल पेपर भी चेक कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट असेट एग्जाम। सो पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, असेट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे ऑलरेडी गिफ्टेड हैं उन बच्चों के लिए आगे समर प्रोग्राम्स में इनका बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जहाँ से बच्चे नए नए एक ऑल वर्ल्ड लेवल पर अपने टैलेंट को और निखार सकते हैं। तो प्लीज़ असेट को आप ज़रूर कंसीडर करिए अपने ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की बकेट लिस्ट में।